Kata current carrying coil subjected to uniform magnetic field. The coil will oriented its plane. अब देखो हमको पता नहीं है कि कॉयल कैसे रखा गया मैग्नेटिक फील्ड में, बट अगर उस कॉयल पे जैसे भी रखा गया, एड़ा टेढ़ा जैसे भी रख दो, ठीक है, उस कॉयल पे देखो अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, चलो मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन कॉन्स्टेंट है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड में इधर लगा दिया, अगर मैं कॉयल को कैसे ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे सर्कुलर कॉयल है, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, जैसे भी मन करे वैसे रख दिया, तो इस कॉयल की जो टेंडेंसी होती है वो होती है कि ये इक्विलिब्रियम अटेंड करना चाहेगा, मिनिमम एनर्जी अपना चाहेगा यार कोई भी सिस्टम नेचर में, तो ये इस तरह से रोटेट करेगा, इस तरह से टॉर्क लगेगा कि इस पे जो टॉर्क है वो जीरो हो और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, उस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रोटेट, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस एम डॉट बी ऑन ए कॉयल, ठीक है। मतलब अब अगर ये कॉयल ऐसे है, मान लो ऐसे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तभी होती है जब एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, जो भी है एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो। ये जो चीज़ है वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल हो, थीटा ज़ीरो हो, तो थीटा ज़ीरो हो तभी भी तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म फील्ड है, तो यूनिफॉर्म फील्ड है, तो इस कॉयल पे तो फोर्स तो गया जीरो, और अगर ये थीटा जीरो हुआ तो टॉर्क भी तो गया जीरो, एम बी साइन जीरो, ठीक है, तो टॉर्क भी गया जीरो, तो फोर्स भी गया जीरो और टॉर्क भी गया जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम बी कॉस जीरो इज इक्वल टू माइनस एम बी, और पोटेंशियल एनर्जी जो आ रही है वो मिनिमम आ रही है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम है और टॉर्क और फोर्स सब जीरो है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यार हर दुनिया में हर लोग स्टेबल, हर कोई सिस्टम स्टेबल होना चाहता है, तो ये कॉयल ऐसे घूमेगा, इस डायरेक्शन में घूमेगा कि उस कॉयल का जो प्लेन है, इस कॉयल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आए, या एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आए, बात बराबर है। तो कॉयल विद ओरिएंटेड प्लेन्स बिकॉज इस तरह से घूमेगा, इंक्लाइंड एट 45 बिल्कुल नहीं, इंक्लाइंड बिल्कुल नहीं रहेगा, इंक्लाइंड एट एनी आर्बिट्री बाई, ऐसे तो थोड़ी है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। कॉयल जो है, कॉयल विल ओरिएंटेड, कॉयल कैसे ओरिएंट होगा, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के नहीं रहेगा यार, पैरेलल रहेगा तो एरिया वेक्टर ऊपर चला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे, और कॉयल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डी ऑप्शन सही है, ऐसे आ जाएगा। अगर एरिया वेक्टर ऐसे है तो करंट इसमें ऐसे, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर गया, एरिया वेक्टर इधर गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर गया, तो ये सारी कहानी हो जाएगी।